दिल्ली पुलिस की टीम ने संपत नेहरा गिरोह के एक किशोर समेत तीन शार्पशूटर्स को गिरफ्तार किया है। नरेला में एक कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के सनसनीखेज मामले में गिरफ्तार वांटेड आरोपियों की पहचान सुमित उर्फ चीता और रोहित उर्फ जोशी के रूप में हुई है। एक किशोर को भी स्पेशल सेल ने पकड़ा है। ये तीनों आरोपी जेल में बंद गैंगस्टर संपत नेहरा और कपिल मान के नियंत्रित गोगी गिरोह के शार्पशूटर हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल DCP प्रतीक्षा गोदारा के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों ने नरेला के कारोबारी से 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। साथ ही बदमाशों ने इलाके में फायरिंग का दहशत फैला दी थी। ये घटना CCTV में कैद हो गई थी। इससे आम लोगों के बीच डर पैदा हो गया था। DCP ने बताया कि 4 जून को प्रॉपर्टी डीलर की शिकायत पर नरेला थाने में मामला दर्ज किया गया था। शिकायतकर्ता ने बताया कि वो अपने निजी सुरक्षा अधिकारी के साथ अपने कार्यालय में मौजूद थे। उस वक्त शाम के करीब 6:30 बजे एक युवा लड़के को कार्यालय के सामने पिस्तौल से निशाना साधते और गोली चलाने का प्रयास करते देखा और कई प्रयासों के बावजूद हमलावर हथियार चलाने में असफल रहा। शिकायतकर्ता ने आगे बताया कि उसके मोबाइल पर 2 जून को एक अंतर्राष्ट्रीय नंबर से व्हाट्सएप कॉल आया था, जहां कॉल करने वाले ने संपत नेहरा की ओर से 2 करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी थी, साथ ही गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी। मामले की जाँच में जुटी स्पेशल सेल को 10 जून को इनपुट मिला कि नरेला में हुई फायरिंग में शामिल शूटर शाहबाद डेरी इलाके में छुपे हैं। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया और रात में करीब 9 बजे 2 युवकों की पहचान सुमित गुलिया और एक किशोर के रूप में बस स्टैंड शाहबाद डेरी के पास से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस रिमांड के दौरान सुमित की निशानदेही पर संपत नेहरा गोगी गैंग के सिंडिकेट के एक और सहयोगी सदस्य रोहित को 12 जून को गिरफ्तार किया गया। आरोपी सुमित गुलिया MD यूनिवर्सिटी रोहतक से ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहा है। वो अपने ही गांव के रोहित उर्फ जोशी के जरिए कपिल मान और संपत नेहरा के कॉन्टैक्ट में आया था।